नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अशोक कसरे, आयुर्वेद कंसल्टेंट, पीसीएमसी पुणे। मैं पिछले 15 साल से पीसीएमसी पुणे में आयुर्वेद चिकित्सक की तौर पे काम कर रहा हूँ। बहुत सारे पेशेंट को मैंने आयुर्वेद चिकित्सा देकर स्वस्थ किया है। उसके पीछे भगवान धन्वंतरी का आशीर्वाद हमारे पीछे है और उनकी कृपा से ही वो सब लोग ठीक हुए हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सनेज कंपनी और उनके प्रोडक्ट। सनेज कंपनी में आयुर्वेदिक प्रोडक्ट उसके साथ साथ मेडिसिन ये भी कंटेनर उसमें है। तो इनकी जो रेंज है, डिविजन है, तो क्या क्या है? आयुर्वेद, रियल एज, फूड एज, एक्स एज, ब्यूटी एज, वेट एज, कॉटन एज, ऑर्गेनिक एज और एथिकल एज। तो ये एथिकल एज जो डिवीजन है उसमें टोटल ग्रंथोक्त मेडिसिन है। उसमें जो ग्रंथ में बताए गए जो मेडिसिन है, वो मेडिसिन हम पेशेंट को देकर उनको स्वास्थ्य प्रदान करने में सहायभूत हो सकते हैं। तो आयुर्वेद में भी आयुर्वेदिक मेडिसिन है, सप्लीमेंट्स है, फूड सप्लीमेंट्स है और ब्यूटी केयर है, होम केयर है, पर्सनल केयर है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में, एग्रीकल्चर में ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स ये भी इंक्लूड है और कुछ वेटरनरी के भी प्रोडक्ट्स है और डेली नीड्स के बहुत सारे प्रोडक्ट्स अपनी कंपनी में, सनेज कंपनी में यहाँ पे इंक्लूड है। आज हम बात करेंगे हमारे सीएमडी मिस्टर छगन जी राठौर सर, वो जो कि बहुत ही विजनरी पर्सन है, उनको मालूम है कि हमें आज काम कहाँ पे करना है। तो अगर किसी भी बीमारी की जड़ हम आज देखेंगे, वो है अपना फूड, अपना अन्न, और वो आता है अपने खेती से। अगर हम खेती और किसान, इन लोगों को हम कहेंगे कि आप ऑर्गेनिक खेती करो, और ऑर्गेनिक खेती की वजह से क्या होने वाला है कि आपको ऑर्गेनिक फूड मिलेंगे जहाँ पे कोई भी केमिकल नहीं होगा। और अगर वो फूड हम कंज्यूम करते हैं, हम खाते हैं, तो हमारे शरीर में जो कुछ भी केमिकल जा रहे हैं वो नहीं जाएंगे और हमें ऑटोमेटिकली स्वस्थ होने के लिए एक मदद मिलती है। तो इसलिए यहाँ पे सनेज कंपनी एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। यहाँ पे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट और डेली नीड्स प्रोडक्ट ये सब यहाँ पे मिल जाते हैं। सिर्फ इतना ही करके हमें, इतना ही हम यहाँ पे रुकते नहीं है, तो आगे जाके हमारा विजन और मिशन सर का ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम स्वस्थ प्रदान कर सकते हैं। किसकी बदौलत? तो आप ऑर्गेनिक फूड कंज्यूम करके, ऑर्गेनिक दवाई कंज्यूम करके, मेडिसिन जो आयुर्वेदिक मेडिसिन है वो कंज्यूम करके, उसके साथ साथ बहुत सारे लोगों को करियर भी मिला है और उनको अपने सपना पूरा करने में मदद मिलती है। और ये जो क्वालिटी प्रोडक्ट अभी आज सनेज कंपनी बनाए है, उनके बैकबोन है सचिन जी सावंत सर। तो वो प्रोडक्शन मैनेजर के तौर पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और क्वालिटी प्रोडक्ट सबको प्रदान कर रहे हैं। ये है पूरे अपने कंपनी के गवर्नमेंट सर्टिफिकेट। आगे हम बात करेंगे हेल्थ के ऊपर। तो हेल्थ क्या है? तो आयुर्वेद में बताया है कि स्वस्थ, स्वस्थ किसे कहेंगे? तो समदोषा समाग्निच्य समधातु मल क्रिया प्रसन्नात्मेंद्रिय मना स्वस्थ इत्यभिधीयते। तो दोस्तों, केवल शारीरिक रूप से स्वस्थ होना ही स्वस्थ नहीं है, या मानसिक रूप से ही स्वस्थ होना स्वस्थ नहीं है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन है, दोनों का समन्वय है, तभी हम स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। तो स्वस्थ का मतलब आयुर्वेद में सिर्फ इतना ही नहीं बताया है, तो हमारे बॉडी में जो त्रिदोष रहते हैं, वात पित्त कफ, तो उनका संतुलन होना बहुत जरूरी है। समदोषः समाग्निच्य, हमारे शरीर में अग्नि रहती है, उनके कितना प्रकार है? 13 प्रकार की अग्नि हमारे शरीर में रहती है। तो कौन से अग्नि है जो कि हम बता सकते हैं कि पहला है जठराग्नि। जठराग्नि का महत्व इतना बड़ा है कि भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण स्वयं ये बोलते हैं कि जठरो भगवान अग्नि, जो आपके शरीर में जठराग्नि है वही स्वयं मैं हूँ। क्यों? अगर किसी का भी अग्नि अगर विकृत हो जाता है तो बीमारी की शुरुआत वही से चालू होती है, इसलिए जठराग्नि सबसे महत्वपूर्ण है। दूसरी बात है, आयुर्वेद में बताया है कि हमारे शरीर में जो सप्त धातु रहते हैं उनकी भी एक अग्नि रहती है। तो सप्त धातु की रस रक्त महासमेद अस्थि मज्जा शुक्र, इनकी भी स्वयं की एक अग्नि रहती है। बहुत सारे लोग रहते हैं कि हम बोलते हैं सर हम तो बहुत कम खाना खाते हैं फिर भी हमारा वजन बहुत ज्यादा हो जाता है, वेट ज्यादा हो जाता है, घट ही नहीं रहा है, तो कहाँ पे विकृति है? मेद धातु अग्नि में। अगर मेद धातु अग्नि अगर विकृत हो जाता है तो उनका वजन कम ही रहता है, ज्यादा ही बढ़ते रहता है। तो ऐसी चीज हम आयुर्वेद से सीख सकते हैं। तीसरी बात है पंचभूताग्नि। हमारा जो शरीर है वो बना हुआ है पंच महाभूतों से, पृथ्वी, जल, आप, तेज, वायु, आकाश, इनकी स्वयं की भी अग्नि रहती है। हर एक दोष जैसे कि वात दोष है उसमें वायु और आकाश महाभूत समन्वित है, पित्त दोष है उसमें अग्नि महाभूत समन्वित है, कफ दोष है तो कफ दोष में जल और पृथ्वी और जल ये दोनों महाभूत समन्वित है। तो इस तरह से हमारे बॉडी में अगर इन सभी का समन्वय रहता है, संतुलन रहता है, तो हम स्वस्थ रहते हैं। ऐसी बड़ी परिभाषा आयुर्वेद में स्वस्थ की गई है। इसके साथ साथ उतने पे ही हम रुक नहीं रहा है, वहाँ पे उन्होंने बोला है कि प्रसन्न आत्मेंद्रिय मना स्वस्थ इत्यभि देते हैं। जिन व्यक्ति का मन स्वस्थ नहीं है, आत्मा स्वस्थ नहीं है, प्रसन्न नहीं है, तो आदमी स्वस्थ नहीं हो सकता है, चाहे उसके पास कुछ भी क्यों ना हो। इसलिए स्वस्थ वही आदमी रह सकता है कि जिसका मन, आत्मा और इंद्रिया प्रसन्न रहे। आगे हम बात करेंगे तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं।
सकते हैं, इसका सबका मूलाधार है अपना शरीर। इसलिए आचार्य चाणक्य कहते हैं कि सर्वमेव परित्यज्य शरीरम अनुपाले शरीरस्य प्रनष्टस्य सर्वमेव विनश्यति। हमारे शरीर का अगर विनाश हो जाता है तो ऑटोमेटिकली सभी चीजें हमारे लिए एक कुछ मायने नहीं रखती है, उसका भी नाश ऑटोमेटिकली हो जाता है। इसलिए शरीर को स्वस्थ रखना यह हमारा पहला कर्तव्य है। तो उसका लिए भी आयुर्वेद में बताया है कि आयुर्वेद का प्रयोजन ही उसने बताया है कि स्वस्थस्य स्वस्थ रक्षणम आतुरस्य व्याधि परिमोक्षणम। स्वस्थ व्यक्ति को हमें स्वस्थ प्रदान करने की जरूरत नहीं, उसको स्वस्थ रखने की जरूरत है, और जो बीमार व्यक्ति है उसको स्वस्थ प्रदान करो, ये आयुर्वेद का प्रयोजन है। तो इसलिए आज हमारी सनेज कंपनी जो है वो आयुर्वेद प्रोडक्ट लेके आ रही है। किस लिए? कि स्वस्थ व्यक्ति का स्वास्थ्य बरकरार रहे, और जो कोई बीमारी है तो उनके लिए भी हम क्या मेडिसिन दे, तो वो सारे प्रोडक्ट यहाँ पे सनेज कंपनी में हम दे रहे हैं। तो इसके बारे में आज हम जानकारी लेते हैं। तो पहला प्रोडक्ट है अकाई सोना। अकाई सोना क्या है? तो अकाई सोना ये एक एंटीऑक्सीडेंट सप्लीमेंट है। तो एंटीऑक्सीडेंट जो है तो उसमें क्या क्या आता है? अकाई बेरी, नोनी, गोजी बेरी, ब्लैक बेरी, रसबेरी, क्रैनबेरी, स्ट्रॉबेरी, स्टीविया। क्या इतने सारे फ्रूट हमें डेली मिल सकते हैं या हम ले सकते हैं? तो इसका सबका आंसर रहेगा नहीं। तो इसके लिए हम क्या कर सकेंगे? तो इसके लिए हम अकाई सोना ये हमें दिन में सुबह शाम 10 से 15 मिली या आयुर्मान के हिसाब से 5 एमएल से लेके 25 एमएल तक हम वो ले सकते हैं। तो उस लेने की भी एक विधि रहती है। तो सुबह ले सकते हैं, शाम को ले सकते हैं, गुनगुने पानी के साथ ले सकते हैं। अकाई सोना क्या काम करता है? तो दोस्तों, जब अकाई सोना शरीर में जाएगा तो अपने शरीर में जो कुछ भी एसिड बढ़ जाता है उसकी वजह से फ्री रेडिकल तैयार हो जाते हैं, उसकी वजह से शरीर पूरा टॉक्सिन युक्त बन जाता है। तो अगर फ्री रेडिकल को ही हटा जाए और उसको कंट्रोल में करके अगर पूरा बॉडी हम डिटॉक्सिफाई कर दिए तो हमारा स्वास्थ्य, हमारी इम्यूनिटी बढ़ जाती है। इसलिए अकाई सोना बहुत जरूरी है। तो क्या करता है अकाई सोना? एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह से वो शरीर को स्फूर्ति देता है। तान तनाव जो अपने शरीर में हर एक पेशेंट के ऊपर या स्वस्थ व्यक्तियों में भी बहुत सारे तनाव रहते हैं, तो उनको भी कंट्रोल करने के लिए मदद करता है। कोलेस्ट्रॉल, आजकल की ब्लड प्रेशर की बीमारियां बढ़ जाती है, कोलेस्ट्रॉल की वजह से बहुत सारे लोगों का खान पान भी विकृत हो गया है, तो उसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, कोलेस्ट्रॉल की वजह से बीपी बढ़ जाता है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए भी अकाई सोना अच्छा काम करता है। आंखों की रोशनी के लिए अच्छा काम करता है, पाचन क्षमता के लिए अच्छा काम करता है, और स्किन के लिए, त्वचा के लिए भी अच्छा काम करता है। तो अकाई सोना इम्यूनिटी बढ़ाता है। पहली बात कि इम्यूनिटी बढ़ाने के बाद बहुत सारे डिसीजेस अपने आप कंट्रोल आ जाते हैं। तो लोग मेरे पास ऐसे कुछ पेशेंट आए कि सर अकाई सोना के बाद हमको कई बार ऐसा हो जाता है कि कॉन्स्टिपेशन हो गया, तो फिर हम उनको क्या करेंगे? उन लोगों का टाइम चेंज कर दो। जैसे कि कोई पहली बार ले रहा है तो उसको बोलो भाई आप 10 ml पहली बार हाफ ग्लास ऑफ वाटर में गुनगुने वाटर में डाल के लो, उसके बाद में उसको 2 times चालू करो। अगर उससे भी अगर उसको तकलीफ होती है तो उसका टाइम चेंज कर दो, सुबह के बदले खाना खाने के बाद 1 घंटा दे दो, उससे भी बहुत अच्छा असर मिल जाता है। अकाई सोना का उपयोग विधि ऐसा है कि सुबह और शाम 5 ml से लेके 25 ml तक आयुर्मान के हिसाब से हम 1 glass गर्म पानी में उनको दे सकते हैं एमचिस चमक। अगला प्रोडक्ट हम देखेंगे अकाई सोना प्लस। अकाई सोना प्लस में क्या है? यहाँ पे 30 सुपर फ्रूट्स इंक्लूड है। इसकी वजह से ये बहुत बड़ा एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, ना कि सिर्फ एंटीऑक्सीडेंट बल्कि ये इम्यूनिटी को बढ़ाता है। तो अकाई सोना और अकाई सोना प्लस दोनों को भी उपयोग सेम है, लेकिन ये जो काम कर रहा है, ये जो पेशेंट जो रहते हैं, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, कैंसर है, अस्थमेटिक केस है, तो इन लोगों के लिए हम अकाई सोना प्लस अगर देते हैं, यूज करते हैं, तो बहुत अच्छा काम होता है। तो दोस्तों, अकाई सोना प्लस जो है तो हम किन लोगों को देना चाहिए? जिनकी प्रकृति कफ प्रधान है, जिनके वेट ज्यादा है, इन लोगों का हम पहले अकाई सोना प्लस चालू कर सकते हैं। तो इसके साथ साथ जिन लोगों को बहुत ज्यादा बीमारी, बड़ी हुई बीमारी हो और उनके साथ उनका वेट भी ज्यादा है, तो ऐसे लोगों को हम अकाई सोना प्लस दे सकते हैं। बाकी अकाई सोना और अकाई सोना प्लस इनके फायदे बहुत जबरदस्त है, आप खुद यूज कर सकते हैं, और उसके बाद में उनका डोज भी सेम है, 5 ml से लेके 25 ml तक गर्म पानी में सुबह और शाम खाली पेट आप ले सकते हैं। अपना नेक्स्ट प्रोडक्ट है एलोवेरा। एलोवेरा जूस बहुत सारी कंपनियां एलोवेरा जूस बनाती है, लेकिन इसमें एक घटक द्रव्य जो है सिर्फ एलोवेरा नहीं है, तो उसमें आंवला है, तुलसी है और अदरक है। इसकी वजह से क्या हो जाता है, एलोवेरा जो रहता है, एलोवेरा थोड़ा सा शीत गुण का रहता है, तो उसकी वजह से बहुत सारे लोगों को सर्दी भी होती है। तो कंपनी में क्या किया है कि आंवला, तुलसी और अदरक ये डालने की वजह से आंवला रसायन का काम करता है, तुलसी ऑक्सीजन बढ़ाने का काम करता है, और अदरक अग्निवृद्धि का काम करता है, इसके लिए वो सभी को सूट हो जाता है। फिर भी मैं कहूंगा कि जिन लोगों को हाइपर एसिडिटी है, ज्यादा एसिडिटी होती है, उन लोगों को हम एलोवेरा जूस कब देंगे? तो पित्त काल में देंगे। कब है? सुबह 10 बजे और दोपहर को 2 बजे। ऐसा अगर हम 15 ml एलोवेरा जूस 1 cup of water में अगर देंगे तो बहुत सारे लोगों की एसिडिटी कम हो जाती है।
एलोवेरा, इसको संस्कृत में कहा गया है कुमारी। तो ये सारी कुमारियों के ऊपर बहुत अच्छा काम करता है, तो इसलिए उसको कुमारी कहा गया है। कोरफड़ यानी कि एलोवेरा तो काम क्या करता है, डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। इसमें विटामिन सी ज्यादा मात्रा में है। इसके साथ साथ वजन नियंत्रण करने में काम करता है, एसिडिटी के लिए काम करता है, बद्धकोष्ठ है उसके लिए काम करता है। तो इस तरह से हम एलोवेरा का यूज कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट है स्पिरुलिना। तो स्पिरुलिना का सोर्स जो है वो कहाँ से है, तो पानी के ऊपर जो आता है शैवाल उससे हम स्पिरुलिना लेते हैं। तो बहुत सारी कंपनियों का भी स्पिरुलिना है, लेकिन स्पिरुलिना कलेक्ट करने के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके शरीर में जाके काम क्या करने वाला है। अगर अच्छे पानी के ऊपर उसको लेते हैं तो अच्छा काम करेगा, लेकिन आजकल तो जल में भी बहुत सारा प्रदूषण आ गया है, तो ऐसा ना हो कि वहां का प्रदूषण स्पिरुलिना आने के बाद टॉक्सिन्स भी बढ़ जाएंगे। तो यहाँ वो बहुत सारी खबरदारी अपने कंपनी में ली गई है कि क्वालिटी स्पिरुलिना वो कलेक्ट किया जाएगा और वही अपने को दिया जाएगा। दूसरी बात है, ना केवल स्पिरुलिना उसके साथ साथ अश्वगंधा भी इसमें ऐड किया है। अश्वगंधा अपने शरीर में पूर्ति प्रदान करने का काम भी करता है, उसके रसायन भी कार्य है। आयुर्वेद में अश्वगंधा को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है क्योंकि वो सीधे रस धातु से लेकर शुक्र धातु तक काम करता है। और स्पिरुलिना अब क्या काम करेगा, तनाव से राहत दिलाने के लिए बहुत अच्छा मदद करता है। उसके साथ साथ कोलेस्ट्रॉल और ब्लड शुगर लेवल ये कंट्रोल करने के लिए भी अच्छा काम करता है। वजन को नियंत्रित करता है। तेजी से बढ़ी हुई बीमारी जो कुछ भी शरीर में है तो उसको कंट्रोल करने के लिए भी अच्छा काम करता है। और इसके साथ जो कुछ भी हमारे शरीर के ऊपर, बहुत सारे लोग केमिकल यूज करते हैं, अभी हम तो सारे लोग केमिकल के ऊपर पकने वाला फूड ही यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो स्पिरुलिना ले सकते हैं। उसका जो टॉक्सिन्स प्रभाव है, दुष्प्रभाव है, वो भी कम कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को सालों साल एलोपैथिक दवाई चालू रहती है तो उसका साइड इफेक्ट होता है, तो वो साइड इफेक्ट कम करने के लिए भी हम स्पिरुलिना ले सकते हैं। लेकिन लेने के लिए एक थोड़ी सी सावधानी इतना बरतनी है कि अगर कोई किडनी पेशेंट रहेगा जिसका सीरम क्रिएट अगर बढ़ता है तो आप वहां पे स्पिरुलिना मत यूज कीजिए, या करना है तो एक्सपर्ट एडवाइस लेके ही करना है, अदरवाइज नहीं। इसका डोज हम क्या देंगे, एक कैप्सूल सुबह को, एक कैप्सूल शाम को। हम दोनों समय सुबह शाम गुनगुने पानी के साथ भी यूज कर सकते हैं या सिंपल वाटर के साथ भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट है सिबोक्थम। सिबोक्थम क्या है, कहां से आता है, तो एक ये जो पहाड़ी इलाका रहता है वहाँ पे पकने वाला ये पौधा रहता है और वहाँ से लिया गया ये सिबोक्थम है। बहुत ही जबरदस्त एनर्जी देता है। हमारे जो सैनिक है वो भी लेह लद्दाख के ऊपर जब काम करते हैं तो उनको भी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए सिबोक्थम यूज किया जाता है। तो दोस्तों सिबोक्थम बहुत ही अच्छा फूड सप्लीमेंट है और ये हमें क्या करतेगा, तो प्रतिरक्षा बढ़ाने में मदद करता है, मतलब इम्यूनिटी। आजकल बहुत सारे लोगों को थोड़ी थोड़ी चीजों की वजह से खिन्नता आ जाती है, डिप्रेशन आ जाता है, तो उसको भी ठीक करने के लिए काम करेगा। ओमेगा 7 फैटी एसिड का उत्कृष्ट स्रोत है। पाचन का भी सुधार करता है। स्वस्थ हार्मोन्स जो कुछ भी रहते हैं तो उनको भी सहायक है। लीवर और पैंक्रियास की बीमारियां कितनी बढ़ गई है, तो उसके लिए भी हम सिबोक्थम यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करेंगे, उसका उपयोग 1 कैप्सूल सुबह शाम हम 2 टाइम दे सकते हैं। तो हमारा अगला प्रोडक्ट है मोरिंगा प्लस। मोरिंगा प्लस टैबलेट, इसमें क्या क्या है, तो मोरिंगा है, हरिद्रा है, आंवला है, काली मिर्च है, यष्टिमधु और मेथी का। तो ये काम क्या करता है, तो जो भी पेट की समस्या रहती है और मोटापा रहता है उसको घटाने में मदद करता है, क्योंकि मोरिंगा उष्ण गुण का है। इसके साथ साथ शरीर का प्रतिरक्षा प्रणाली में सुधार लाने में उपयुक्त है। जोड़ों के दर्द में उपयुक्त है। जहां जहां पे सूजन ज्यादा रहती है वहां पे आप मोरिंगा यूज कर सकते हो। एंटीऑक्सीडेंट करके भी आप मोरिंगा यूज कर सकते हो। मधुमेह यानी कि डायबिटीज में मोरिंगा अच्छा काम करेगा। हृदय के स्वास्थ्य के भी अच्छा काम करता है। पित्त और वात दोष को संतुलित रखने के भी काम करता है। लेकिन जहाँ पे बहुत ज्यादा हाइपर एसिडिटी रहती है वहाँ पे हम उसे सावधानी पूर्वक यूज कर सकते हैं। कितना यूज करेंगे, तो 1-2 टैबलेट सुबह शाम खाना खाने के बाद। अगर घुटने का ज्यादा दर्द रहता है तो हम उसको खाना खाने के आधा घंटा पहले भी दे सकते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट है कर्क्यूमा प्लस। कर्क्यूमा प्लस में क्या है, हरिद्रा, काली मिर्च। आपको मालूम है कि हरिद्रा एक महाऔषधि है। हरिद्रा के ऊपर बहुत सारे रिसर्च हुए हैं और हरिद्रा में जो रसायन है तो कर्क्यूमिन, तो वो आज बढ़ तेजी से बढ़ रही जो बीमारी है कैंसर, उसके लिए बहुत असरदार काम करता है। तो हम हरिद्रा को इम्यूनिटी के तौर पे हम यूज कर सकते हैं। हमारे एंशियंट काल से, हमारे पुराने जमाने से भी अपने पूर्वज जो है वो डेली अपने खाने में हरिद्रा यूज करते थे। बहुत सारे लोग उसको मसाला कहते हैं, लेकिन ये मसाला चीज जो है या मसाला शब्द का वर्णन जो है ये मुगल आने के बाद चालू हुआ है, लेकिन इसको पहले औषधि के तौर पे ही देखा जाता था। तो आज हमारे पूर्वजों ने जो हमें सिखाया है, तो आयुर्वेद यही सिखाता है कि हर एक बीमारी के ऊपर ये काम करता है। इसलिए हल्दी के सिवा बहुत सारी सब्जियां नहीं बनती और सभी सब्जियों
में हल्दी डाली ही जाती है। इसका कारण ही वही है कि हमारा पूरा परिवार स्वस्थ रहे। तो ये लीवर मजबूत बनाती है, कर्कुमा लीवर को मजबूत बनाता है, बॉडी डिटॉक्स करता है, उसके साथ साथ कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है। और टाइप 2 डायबिटीज जो है तो उसमें भी हम कर्कुमा प्लस यूज कर सकते हैं। कितना यूज करेंगे? 1-2 टैबलेट सुबह शाम खाना खाने के बाद, या खाली पेट भी हम उसको ले सकते हैं। सिर्फ जहाँ पे जिस पेशेंट को अगर गर्मी होती है तो वहां से सावधानी पूर्वक उसको यूज करना है। नेक्स्ट प्रोडक्ट है अपना कोलेस्ट्रम। तो कोलेस्ट्रम क्या काम करता है? काऊ कोलेस्ट्रम। काऊ कोलेस्ट्रम मतलब गाय का पहला जो दूध रहता है उससे बनाया हुआ जो ये कैप्सूल है। तो ये बहुत अच्छा स्रोत है प्रोटीन का, उसके साथ साथ उसको इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए भी बहुत अच्छा असरदार काम करता है, पाचन क्षमता बढ़ाने के लिए काम करता है, अच्छे स्वास्थ्य निर्माण करने के लिए काम करता है, हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए काम करता है। तो क्यों ना हम सब उसको हमारे यूज में लाए। लेकिन यूज करने से पहले इतना ध्यान रखें कि अपना जठराग्नि भी उतना अच्छा होना चाहिए जो उसको पचा सके, ठीक है। तो कोलेस्ट्रॉल अनचाहे बुढ़ापे और झुर्रियों से भी बचाने के लिए बहुत अच्छा असरदार साबित होता है। तो हम उससे भी यूज करेंगे सुबह शाम एक एक कैप्सूल खाना खाने के बाद, या खाली पेट भी आप ले सकते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट है नीम टैबलेट। नीम एक एंटीबायोटिक की तरह काम करता है, बहुत अच्छा मेडिसिन है। अब हमारे भारतवर्ष में बहुत जगह पे नीम देखा जाता है। क्या काम करता है? तो पहली जो डायबिटीज है, मधुमेह है, उसको कम करने के लिए नीम बहुत अच्छी मेडिसिन है। दूसरी बात है स्किन। तो त्वचा की कौन सी भी अगर बीमारी रहती है तो वहाँ पे नीम अच्छी तरह से काम करता है। उसमें त्वचा को साफ रखता है और अपने खून को भी साफ रखने के साथ साथ त्वचा को भी चमकाता है। इससे रक्त शुद्ध करने का गुण रहता है, प्रतिरक्षा को बढ़ाता है और मुहासे, आजकल की बहुत सारी जनरेशन को ये चीज बहुत ज्यादा सताती है, तो पिंपल्स के ऊपर भी हम नीम यूज कर सकते हैं। बालों को मजबूत करने के लिए भी हम नीम यूज कर सकते हैं। सिर्फ ध्यान इतना रखना है, अगर किसी पेशेंट को नीम टैबलेट यूज करने के बाद सर्दी हो जाती है तो थोड़ा रोक दो, थोड़ा उसको कंट्रोल करो, बाद में और ठीक होने के बाद हम उसको चालू कर सकते हैं। इतनी सावधानी हमको बरतनी है। कितना डोज ले सकते हैं? 1-2 टैबलेट सुबह शाम खाली पेट या खाना खाने के बाद हम उसको ले सकते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट है ग्यानोडर्मा। ग्यानोडर्मा कैप्सूल। तो ग्यानोडर्मा एक काम क्या करता है? ग्यानोडर्मा दिमागी कमजोरी के लिए बहुत उपयुक्त साबित होता है। प्रतिरक्षा प्रणाली को भी बढ़ाता है, मोटापा कम करने के लिए बहुत अच्छा मेडिसिन है, उसके साथ साथ विषाक्त पदार्थ शरीर में से निकालने के लिए भी बहुत अच्छा काम करता है। ग्यानोडर्मा ये अपना खून जो रहता है उसको भी पतला रखने में काम करता है। सावधानी इतनी बरतनी है कि जिन जिन पेशेंट को खून पतला होने की एग्जैक्ट बीमारी, जो लो मॉलिकुलर वेट, हेपेरिन, ऐसी जो कुछ गोलियां उस टाइप की गोलियां रहती है या इंजेक्शन रहता है, वो अगर चालू रहेगा तो ग्यानोडर्मा उसमें नहीं यूज करना है, या करना भी है तो सावधानी से करना है। हालांकि आप ना यूज करो तो बहुत अच्छा है। तो ग्यानोडर्मा का डोज क्या देंगे? एक कैप्सूल सुबह को, एक कैप्सूल शाम को, पानी के साथ हम उसको यूज कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट है गिलोय। गिलोय इसको संस्कृत में अमृता कहा गया है। ये बहुत अच्छा मेडिसिन है जो कि हर एक लेवल में उसको यूज कर सकते हैं, हर एक बीमारी में उसको यूज कर सकते हैं। तो गिलोय में अमृता जो है वो तिक्त रसात्मक है। आजकल हम देखते हैं कि बुखार आने के बाद पैरासिटामोल दिया जाता है, बुखार तुरंत उतर जाता है, ऐसा ही काम गिलोय करता है। गिलोय तिक्त रसात्मक होने की वजह से तुरंत अपना अग्नि जो है उसको ठीक करने के लिए काम करता है, प्रतिरक्षा प्रणाली को भी बढ़ाता है, पाचन में सुधार करने में सहायक है। जोड़ों के दर्द रहते हैं, सांस की समस्या रहती है, तो उसके लिए भी गिलोय बहुत अच्छा काम करता है। इसलिए इसको हम सुबह शाम खाना खाने के बाद या सुबह शाम खाली पेट भी हम गुनगुने पानी के साथ यूज कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट है ग्लूकोसामाइन कैप्सूल। ग्लूकोसामाइन कैप्सूल ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, बहुत ही अच्छा मेडिसिन है घुटनों के दर्द के लिए, या जहाँ जहाँ पे जकड़न ज्यादा हो जाती है वहाँ पे हम उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन एक सावधानी आपको बरतनी है कि पहले पेशेंट को पूछ लो उसको डायबिटीज है क्या, क्योंकि ये शुगर कोटेड प्रोटीन है। इसलिए कभी कभी ऐसा ना हो कि हम ग्लूकोसामाइन चालू करने के बाद उसका शुगर लेवल बढ़ जाए, इसलिए हम वो सावधानी बरतते हुए ग्लूकोसामाइन पेशेंट को दे सकते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर हमको कुछ भी बीमारी नहीं है, हाइपरटेंशन नहीं, डायबिटीज नहीं, बीपी नहीं, घुटनों के दर्द बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी ऐसे पेशेंट में हम जब भी ग्लूकोसामाइन चालू करेंगे तो उनका HbA1c एक बार चेक कर लो। अगर वहां पे हम कंफर्म हो जाते हैं तो ग्लूकोसामाइन चालू कर दो, ताकि भविष्य में उनको कुछ तकलीफ ना हो और हमारे प्रोडक्ट्स का रिजल्ट उनके ऊपर बहुत अच्छी तरह से आए। तो आर्थराइटिस में भी गठिया मतलब वात रक्त रहता है, उसमें भी हम ग्लूकोसामाइन अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं। मांसपेशियों में ऐंठन होती है तो वहां भी हम ग्लूकोसामाइन यूज कर सकते हैं। कितना लेंगे? 1-2 कैप्सूल सुबह शाम
खाना खाने के बाद भी ले सकते हैं या खाली पेट ले सकते हैं, प्रकृति के अनुसार हम इसको डिसाइड कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट है गार्लिक। तो गार्लिक मतलब लहसुन। हमारे पूर्वज ये हर एक सब्जियों में, बहुत सारी सब्जियों में लहसुन यूज करते हैं। लहसुन में जो कुछ भी रस है तो एक रस नहीं है, कौन सा? लवण। बाकी सब रस इसमें आ जाते हैं, इसलिए लहसुन को रसोन भी कहा जाता है। मधुर तिक्त लवण छोड़ के, मधुर अम्ल लवण छोड़ के, तिक्त और कषाय और कटु भी इसमें शामिल है। और रसोन जो है वो अपने हृदय के लिए बहुत अच्छा टॉनिक भी है, मेडिसिन भी है। आजकल हम देखते हैं कि बहुत सारे लोगों का कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, तो अगर हम गार्लिक टेबलेट लेते हैं तो गार्लिक में ये सारी चीजें हमारी कंट्रोल आने में मदद होती है। तो मोटापा घटाने के लिए भी मदद करता है, बॉडी डिटॉक्स करने के लिए भी मदद करता है, शुगर लेवल कम करने के लिए भी मदद करता है, खून साफ करने के लिए मददगार होता है। इसलिए हमें गार्लिक जरूर लेना चाहिए। लेकिन किन लोगों को लेना चाहिए? जिनको कफ की बीमारी है, जिनका शरीर मोटा है, जो कफ प्रकृति के व्यक्ति है, ऐसे लोगों को गार्लिक लिया तो बहुत अच्छा असरदार काम करता है। किन लोगों को नहीं लेना चाहिए? जिनकी पित्त प्रकृति है, जिनके बॉडी में ऑलरेडी हीट है, इन लोगों को गार्लिक यूज करने से पहले सोचना चाहिए, या अगर लेना भी है तो हम विंटर सीजन में ले सकते हैं। तो इस हिसाब से हम गार्लिक का अगर शास्त्रोक्त तरीके से अगर हम यूज करते हैं तो मुझे लगता है कि इसका हमें बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। कितना ले सकते हैं? तो शुरुआत 1 टैबलेट से कीजिए, बाद में हम उसको बढ़ा के 2 टैबलेट सुबह शाम, मतलब 1 टैबलेट सुबह शाम ऐसे पानी के साथ ले सकते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट है पपाया लीफ एक्सट्रैक्ट। अभी बहुत सारे लोगों को मालूम है कि पपाया कितना फायदेमंद है। अब तक तो बहुत सारे लोगों ने इसको पपाया की पत्ती को खूद पीस के उसका रस डेंगू को पेशेंट को दिया हुआ है। तो पपाया लीफ एक्सट्रैक्ट हम ये एक्सट्रैक्ट फॉर्म में ला रहे हैं, तो एक्सट्रैक्ट फॉर्म में आने की वजह से आपको जो हम रस पिला रहे पेशेंट को उससे कई गुना ज्यादा मेडिसिन लीफ एक्सट्रैक्ट की वजह से हमारे पेट में जाएगी और पेशेंट को जल्दी से जल्दी आराम मिलने में मदद होगी। तो पपाया लीफ एक्सट्रैक्ट क्या करता है? प्रतिरोग, अपना जो इम्यूनिटी है वो बढ़ाता है, उसके साथ साथ प्लेटलेट्स को बढ़ाता है। बहुत सारे जो पेशेंट है डेंगू के पेशेंट है उनमें प्लेटलेट डाउन हो जाता है, तो वहां पे हम पपाया लीफ एक्सट्रैक्ट 1 से 2 टैबलेट या 3 टैबलेट भी हम अकॉर्डिंग टू पेशेंट सिचुएशन हम उसको दे सकते हैं। उसके साथ साथ पपाया त्वचा और बालों को पोषण प्रदान करने के लिए भी उपयुक्त है, पाचन क्रिया को भी अच्छा काम करता है। तो पपाया लेने के लिए मुझे लगता है कि ऐसे पेशेंट को खाली हम उसको ना दे जिससे वजह से उसको तकलीफ होती है, तो 1 टैबलेट हम चालू कर सकते हैं गर्म पानी के साथ सुबह शाम। इस हिसाब से अगर हम पपाया लीफ एक्स्ट्रा का यूज करते हैं तो बहुत सारे लोगों को एडमिट होने से, डेंगू के पेशेंट को एडमिट होने से हम बचा सकते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट है आयुष क्वाथ 64। आयुष क्वाथ 64 ये ऐसा टैबलेट है जिसमें सप्तपर्णी, कटु की, चिरायता, कुबेराक्ष पाउडर, ये जो उष्ण तीक्ष्ण गुण धर्म के संयोग किया हुआ है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, जहां जहां पे बॉडी में कफ बन के जो अपने घुटनों में बहुत ज्यादा दर्द होता है या ऐसी कुछ वायरल इन्फेक्शन है जहां पे पेशेंट को आराम नहीं मिल रहा है, तो वहां पे हम आयुष क्वाथ 64 यूज कर सकते हैं। ये इम्यूनिटी को बढ़ाता है, शक्तिशाली आयुर्वेदिक सामग्री के होने की वजह से मलेरिया और चिकनगुनिया जैसे बीमारियों को ठीक करने के लिए बहुत अच्छा असरमंद साबित हुआ है। तो आयुष क्वाथ 64 हम कैसे लेंगे? 1 टैबलेट सुबह शाम खाली पेट हम इसको ले सकते हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट है ओजस आयु। ओजस आयु इतना अच्छा प्रोडक्ट है क्यों? क्योंकि उसमें वसा है, शुगर है, अमृता है, मरीच है, हरिद्रा और यष्टी मधु का कॉम्बिनेशन होने की वजह से बहुत अच्छा प्रोडक्ट बना हुआ है। तो जिन लोगों को कफ की बीमारी रहती है, कफ पतला नहीं होता है, सीना जाम हो जाता है कफ की वजह से, बहुत ज्यादा खांसी रहती है, तो इन लोगों को हम ओजस आयु दे सकते हैं। कैसा देना है? तो मैं उसमें एक तरकीब निकालता हूँ कि कुछ कॉम्बिनेशन अगर हम यूज करेंगे ना तो कफ की बीमारी में बहुत अच्छा असर मिलता है। जैसे कि ओजस आयु हम 1 गोली चूर्ण करके उसमें थोड़ा सा सीतोपलादी चूर्ण अगर ऐड कर देते हैं और शहद के साथ उसको अगर चाट लेते हैं तो ओजस आयु कफ की बीमारी में बहुत अच्छा असर करता है। तो मुझे लगता है अगर ये टिप्स हम यूज करेंगे अपनी प्रोडक्ट यूज करते समय या ये मेडिसिन यूज करते समय तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। दूसरी बात है ओजस आयु हम छोटे बच्चों को भी दे सकते हैं, जैसे कि शहद के साथ उसको चटा सकते हैं। तो कितना दे सकते हैं? 1 से 2 गोली हम सुबह शाम शहद के साथ दो, पानी के साथ दो, और उसके साथ जिन लोगों को लीवर की बीमारी है, कोलेस्ट्रॉल है, उनको भी हम दे सकते हैं। जिनको बहुत ज्यादा तनाव रहता है, मानसिक तनाव रहता है, तो उनको भी हम दे सकते हैं। तो इस हिसाब से अगर ओजस आयु हम देंगे तो मुझे लगता है हमारे शरीर में भी ओजस का निर्माण हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट है आयुष क्वाथ टैबलेट। आयुष क्वाथ अभी कोविड काल में इसका आयुष क्वाथ का वटी बहुत ज्यादा प्रचलित हुआ है। तो क्या घटक द्रव्य है उसमें? शुंठी है, दालचीनी है, तुलसी है और काली मिर्च, सभी के सभी रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर काम करने वाली दवाई है, और इसलिए सर्दी, खांसी, वायरस
वायरल साइनोसाइटिस जो कुछ भी रहता है तो उसके ऊपर हम उसको अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं। तो एक एक गोली सुबह शाम हम उसको यूज कर सकते हैं। सांस की बीमारी रहती है हम आयुष कार्ड दे सकते हैं, इसलिए ये इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है और जो URTI रहता है LRTI रहता है उसमें भी हम आयुष कार्ड यूज कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट है वीट ग्रास टैबलेट। तो वीट ग्रास में क्या है, वीट ग्रास में ये जो गवांकुर रहता है ना, तो उसका एक्सट्रैक्ट फॉर्म से ये बना हुआ है वीट ग्रास टैबलेट। क्या काम करता है, ये इम्यूनिटी को बढ़ाता है। हमारी इम्यूनिटी ही हमारा स्वास्थ्य का एकमात्र कारण है। अगर इम्यूनिटी अच्छी रहती है तो हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। तो वीट ग्रास हम किसी भी पेशेंट को यूज कर सकते हैं। ज्यादातर मैं सलाह दूंगा जिन लोगों को किडनी डिसीजेस है उन लोगों को हम गो अर्क और वीट ग्रास जरूर यूज करें। वीट ग्रास क्या करता है, रक्त को शुद्ध करता है, प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट है, इसके लिए उसको वजन घटाने में भी उसको सहायभूत होता है। जो कोई पेट की बीमारी रहता है तो पेट की बीमारियों में भी वीट ग्रास हम यूज कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट है Omega 369। Omega 369 ये बहुत ही जबरदस्त कैप्सूल है, सॉफ्ट जेल कैप्सूल है। वो हम किसके लिए यूज कर सकते हैं, तो आपको सबको पता है ओमेगा हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छा काम करता है। तो हृदय के स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए हर एक व्यक्ति ने Omega 369 कम से कम 3 महीने तक रोजाना एक गोली हम आप ले सकते हैं। जो बीमारी है जैसे कि ब्लड प्रेशर है, जिन लोगों का एंजियोप्लास्टी हो चुका है, जिन लोग ब्लॉकेजेस की समस्या है, उनको भी हम Omega 369 यूज कर सकते हैं। मस्तिष्क के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए भी बहुत अच्छा असरदार काम करता है। दूसरी बात है हमारे बॉडी में जो कुछ भी दाह रहता है उसको कम करने के लिए भी Omega 369 अच्छा काम करता है। वजन को नियंत्रित रखने में काम करता है, मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है। इसलिए मुझे लगता है कि Omega 369 हर एक व्यक्ति ने रोजाना 1 से 2 कैप्सूल हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट टैबलेट है अपना Vitamin D3 टैबलेट। Vitamin D3 टैबलेट ये हड्डियों को मजबूत करने के लिए बहुत अच्छा काम करता है। आजकल हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग घर से निकलते हैं और ऑफिस जाते हैं, ऑफिस जाने के बाद वहाँ पे भी हम बैठ के काम करते हैं, सनलाइट हमें मिलता ही नहीं है, तो उसमें क्या हो जाता है कि विटामिन डी की कमतरता हमारे शरीर में आ जाती है। तो वो कमी हम कैसे उसको फिलफिल कर सकते हैं, तो विटामिन डी की टैबलेट हम यूज करेंगे। तो विटामिन डी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा असरमंद काम करता है, दिमाग के लिए भी असरदार काम करता है, हड्डियां और मांसपेशियां मजबूत बनाने के लिए विटामिन डी बहुत उपयुक्त साबित हुआ है। रोग प्रतिकारक क्षमता को बढ़ावा देने के लिए भी सहायक है, सूजन को कम करने के लिए भी सहायक है, हृदय के लिए भी बहुत अच्छा असरदार साबित हुआ है, ब्लड शुगर लेवल को कम करने के लिए भी वो मददगार होता है। लेकिन विटामिन डी हम रोजाना, मुझे लगता है कि हम एक टैबलेट अगर रात को लेंगे तो बहुत अच्छा असरदार काम करती है। हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट है Multivitamin and Multimineral। दोस्तों आज हम सभी लोग देखते हैं कि बहुत सारे बीमारियां जो आ रही है वो Vitamin B12, आयरन, फॉलिक एसिड, देन पोटेशियम, कॉपर, मैग्नीज, सिलिका, इन सब के डिफिशियंसी की वजह से हमारा दिमाग भी बहुत ज्यादा तनावग्रस्त रहने लगता है। तो मल्टी विटामिन और मल्टी मिनरल, जैसे कि हम बहुत सारे एड्स टीवी के ऊपर देखते हैं, तो क्यों ना हम अपना आयुर्वेदिक मल्टी विटामिन और मल्टी मिनरल ले जो कि पूरा फूड से बना हुआ रहेगा। तो ऐसे अगर हम लेते हैं तो हमारा प्राकृतिक स्वास्थ्य बनाए रखने में बहुत असरदार होगा। रिसेंटली एक रिसर्च आया है कि Vitamin B12 एक्सेस भी नहीं लेना चाहिए। इसलिए मुझे लगता है कि जब जब आप किसी पेशेंट को मल्टी विटामिन देते हैं या मल्टी मिनरल मल्टी विटामिन देते हैं तो रोजाना एक गोली 1 महीने के लिए ही दो, उसके बाद में उसको स्टॉप करो। मैं तो मेरे पेशेंट को जब भी कौन सा भी मल्टी विटामिन या कौन सा भी विटामिन का दवा अगर चालू करता हो तो उसके पहले उसकी जांच जरूर कर लेता हूँ, उसके बाद ही अगर उसको जरूरत है तभी मैं उसको विटामिन देता हूँ। और आप, मुझे लगता है कि सभी लोगों ने अगर ये सावधानी बरती तो उसका बहुत अच्छा असर अपने को मिलता है। नेत्र के स्वास्थ्य के लिए भी Vitamin B12 अच्छा है, तनाव को दूर करने के लिए है और दिल के लिए भी बहुत अच्छा है। तो रोजाना एक टैबलेट हम सुबह को ले सकते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट है पेन रिलीफ ऑयल। पेन रिलीफ ऑयल इतना ज्यादा असरदार काम करता है पेन को रिलीफ करने में एज ए पेन किलर। क्यों? क्योंकि वहां पे महानारायण तेल, पुनर्नवादी तेल, महामाश तेल, अजवायन तेल, ज्योतिषमती तेल, दालचीनी तेल, देवदारू तेल, गंधपुरा तेल, ये सारे कॉम्बिनेशन यहाँ पे पेन रिलीफ ऑयल में किया गया है। उसकी वजह से जो कुछ भी पेशेंट है जहाँ पे सांता नहीं है, सूजन नहीं है, तो वहाँ पे अगर हम इसको यूज करेंगे तो पेशेंट को पेन रिलीफ होने के लिए बहुत अच्छा फायदा मिलता है। और उसके साथ साथ पेन रिलीफ में एक पोटली भी दिया है। तो पोटली क्या काम करता है, तो जहाँ पे स्वेदन का काम होना चाहिए, सेक देने के लिए ये पत्र पोटली है, तो उसमें भी आयुर्वेदिक दवाई, आयुर्वेदिक पत्र उसमें डाला गया है, तो वो
वो बहुत अच्छा काम करता है। तो पत्र पोटली हम कैसे यूज करते हैं, तो पेन रिलीफ ऑयल तवे के ऊपर डाल के उसको गर्म करके बाद में उसमें पोटली अगर हम रखते हैं तो वो एब्सॉर्ब हो जाता है। उसके बाद हम उसको जब कौन से भी जहाँ पे पेन हो रहा है वहां पे हम सेकते हैं, जोड़ों को सेकते हैं, जॉइंट्स को सेकते हैं, तो पेन रिलीफ का अच्छा काम लग जाता है। तो हर एक आदमी ने उसको यूज करने से पहले एक ही सावधानी बरतो, जहाँ पे सूजन ना हो वहां पे हम पेन रिलीफ ऑयल यूज कर सकते हैं या कौन सा भी ऑयल यूज कर सकते हैं। अगर जहाँ पे सूजन है वहां पे पेन होता है तो खाली वालू का और नमक ये दोनों गर्म करके हम उसका पोटली सेक हम वहां पे पेशेंट को दे सकते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट है एसीपंच। एसीपंच इसमें सेंधव है, आंवला है, अजमोदा है, सुंठी है, सज्जिकशार है और जीरक है। एसीपंच एक ऐसा जबरदस्त प्रोडक्ट है, इसमें इनो नहीं है या सोडा मिला नहीं है, सेंधव है और जीरक है। इसकी वजह से पाचन होने के लिए एसीपंच बहुत अच्छा असरदार साबित होता है। तो कब ले सकते हैं, जब पेशेंट को एसिडिटी होती है तो हम एसीपंच खाना खाने के एक घंटा बाद हम उसको सिंपल वाटर में आधा से एक पाउच, जैसे पेशेंट की सिवियरिटी है उस हिसाब से हम एसीपंच यूज कर सकते हैं। पेट फूलना, गैसेस होना बहुत लोगों की शिकायतें हैं तो वहां पे भी हम एसीपंच यूज कर सकते हैं। जीरक, अजमोदा, ये सारी चीजें होने की वजह से मैं आपको सलाह दूंगा कि अगर दोपहर को खाना खाने के बाद हम अगर एसीपंच यूज कर सकते हैं तो जो कब्ज है, एसिडिटी है, पेट फूलना है, ऐसी बीमारी ही तुरंत ही उससे राहत मिल जाती है। तो एक पाउच हम एक दिन में ले सकते हैं, ऐसे डेली 5 दिन तक हम रेगुलर भी ले सकते हैं, उसके बाद में एक दिन छोड़ के ले सकते हैं, उसके बाद में जब भी हमको तकलीफ होती है तभी ले सकते हैं। लेकिन आजकल बहुत सारे लोग जो कुछ भी एंटासिड है उनकी बहुत सारी गोलियां ले रहे हैं, तो मुझे लगता है गोलियों की जगह पे अगर हम एसीपंच यूज करेंगे तो उससे भी आपको राहत मिल जाएगी। हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट है नारी प्रिया। नारी प्रिया मतलब नारी के लिए प्रिय, ऐसा जो प्रोडक्ट है नारी प्रिया। क्यों बोला गया ऐसा, क्योंकि इसमें एक जो घटक द्रव्य है शतावरी, अश्वगंधा, सुंठी, यष्टि मधु, हरिद्रा, अभ्रक भस्म, मंडूर भस्म और शुगर क्या काम करता है। बहुत सारे नारी मतलब लेडीज में क्या हो जाता है, लो बीपी की शिकायत रहती है, उनके मेंस्ट्रुअल साइकिल में बहुत ज्यादा दिक्कतें आ जाती है, किस वजह से, हार्मोन इंबैलेंस की वजह से। तो शतावरी काम क्या करता है, हार्मोन को बैलेंस करने का काम करता है, अश्वगंधा काम क्या करता है, तो आपको ताकत बढ़ाने के काम करता है, सुंठी अपना दीपन पाचन का काम करता है। ऐसे बहुत सारे लेडीज में एनीमिया की शिकायत रहती है, खून की कमी रहती है, उसकी वजह से बहुत ज्यादा दिक्कतें आ जाती है, तो वहाँ पे मंडूर भस्म काम करता है। चक्कर भी बहुत सारे लोगों को आ जाते हैं तो वहाँ पे जो नाड़ियाँ रहती है, वात नाड़ी रहती है, जिसको हम नर्व्स बोलते हैं, या रक्तवाहिनियाँ रहती है, उनको बल देने के लिए अभ्रक भस्म यूज किया है। तो ऐसा ये बहुत अच्छा जो प्रोडक्ट बनाया हुआ है वो है नारी प्रिया। हर एक वुमेन ने वुमेन हॉर्लिक्स की बजाय अगर नारी प्रिया लेते हैं तो मुझे लगता है कि सभी नारियां स्वस्थ रहेंगी और अपना और अपने परिवार का भी ख्याल रखेंगी। सिर्फ ध्यान रखें, नारी प्रिया देते समय जिस पेशेंट को डायबिटीज नहीं है उसी को हम इसको दे सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे जो कंटेंट है शुगर, तो उसकी वजह से पेशेंट के शुगर लेवल ना बढ़े इसके लिए हमें ध्यान देना है। तो नारियों में जो कुछ भी मेंस्ट्रुअल साइकिल के जो प्रॉब्लम है, जो अत्यधिक रक्तस्राव है, चिड़चिड़ापन है, तो उसको भी ये रोकने के लिए बहुत असरदार काम करता है। पेट दर्द रहता है, कमर दर्द रहता है, तो ये भी अच्छा असरदार काम करेगा इसमें भी। इसलिए इसको हम सुबह और शाम दूध के साथ भी ले सकते हैं या पानी के भी साथ ले सकते हैं। जिनको पीसीओडी की समस्या है वो पेशेंट इसको खाना खाने के आधा से एक घंटा पहले ले सकते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट है पेडिया सत्व। अभी पीडिया सत्व में क्या क्या कंटेंट है, बला है, अमृता है, अश्वगंधा है, शतावरी है, पिंपरी है, यष्टि मधु है, सुंठ है, गोक्षुर है, शुगर है, तो ये बहुत ही अच्छा टॉनिक छोटे बच्चों के लिए काम करता है। बला, अश्वगंधा, शतावरी, पिंपरी, यष्टि मधु, ये होने की वजह से दीपन पाचन का काम होता है। बहुत सारे लोगों की शिकायत रहती है हमारे बच्चे खाना ही नहीं खाते, तो इसमें हम क्या करेंगे, पीडिया सत्व देंगे। बोर्नविटा के बदले हम अगर पीडिया सत्व यूज करेंगे तो उसको दवाई का भी काम हो जाता है, उसकी हड्डियां मजबूत हो जाती है, उसको बल कांति स्निग्धता वर्धक काम करता है, बल कांति भी बढ़ाता है, पाचन के लिए बहुत अच्छा काम करेगा, खून की कमी जहां जहां पे रहती है बच्चों में वो भी कमी दूर करेगा, मस्तिष्क के लिए भी अच्छा काम करेगा, मांसपेशी के लिए अच्छा काम करेगा। तो मुझे लगता है कि
जो कुछ भी अदर टॉनिक हम यूज कर रहे हैं उसके बदले हम पेडियासत्वा अगर यूज करेंगे तो बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा फायदा मिलेगा। कितना यूज कर सकते हैं? 5 से 10 ग्राम दूध के साथ हम यूज कर सकते हैं। जिन बच्चों को दूध पसंद नहीं है उनको पानी के साथ भी दे सकते हैं या उनके नाश्ते में भी डाल के हम दे सकते हैं। हमारा अगला प्रोडक्ट है शतावरी पाउडर। शतावरी पाउडर, इसका यूनिक कंसेप्ट यह है कि बहुत सारे अभी मार्केट में जो भी शतावरी कल्प बने हुए हैं वो शुगर बेस है, लेकिन ये सनेश कंपनी का शतावरी पाउडर जो है वो गुड़ पाउडर के साथ बना हुआ है ग्रैन्यूल्स फॉर्म में। इसकी वजह से क्या होगा, गुड़ अपना हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए भी काम करता है, दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। शतावरी हार्मोन इम्बैलेंस का काम करता है, रसायनी करके काम करता है, दीपन पाचन काम करता है, वात पित्त कफ को संतुलित रखने के लिए काम करता है, गर्भवती महिला को ये बहुत अच्छा काम करेगा, उसके बाद लैक्टेशन में भी बहुत अच्छा असरदार काम करता है। इसलिए मुझे लगता है कि शतावरी कल्प, सनेज का शतावरी कल्प हम अगर पेशेंट को देंगे तो दोबारा वो वही लेगा और उसको उसका इतना अच्छा फायदा होगा कि उसके सिवा वो दूसरा कुछ ले भी नहीं सकेगा। बच्चे के लिए और वयस्क व्यक्तियों के लिए भी ये अच्छा फायदेमंद काम करता है। उत्तम प्रकृति और हेल्थ सप्लीमेंट के तौर के भी शतावरी कल्प हम यूज़ कर सकते हैं। सुबह शाम हम दूध के साथ इसे यूज़ कर सकते हैं या पानी के साथ भी यूज़ करते हैं। कोई लोग इसको चबा के भी खा सकते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट है गोअर्क। गोअर्क ये डिस्टिल गोमूत्र है। आजकल हम यूट्यूब के ऊपर गोअर्क के बहुत सारे फायदे देख रहे हैं, तो हमें अगर क्वालिटी गोअर्क अगर मिल जाता है तो आपको वो फायदे जरूर मिलेंगे। और मुझे लगता है कि गोअर्क हम हर एक पेशेंट को, हर एक आदमी को 1 महीने तक 2 महीने तक 3 महीने तक हम ज़्यादा से ज़्यादा दे सकते हैं। तो गोअर्क क्या काम करेगा? कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल रहता है वो कंट्रोल में करने के लिए काम करेगा। त्रिदोष नाशक है, शरीर को डिटॉक्स करने में काम करेगा, प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने में काम करेगा, किडनी लीवर और हार्ट के लिए फायदेमंद है। सबसे ज़्यादा इसका असर आता है डायलिसिस पेशेंट के ऊपर। तो हम जहाँ जहाँ पे कितने सारे लोग डायलिसिस से जूझ रहे हैं, किडनी डिसीज से जूझ रहे हैं, तो इसमें हम गोअर्क देंगे। तो कैसे देना है? 5 ml से चालू कर दीजिए। 5 ml से लेके 10 ml से या 15 ml तक हम सिंपल वाटर में डाल के उसको सुबह खाली पेट अगर देते हैं तो बहुत अच्छा असर आता है। सावधानी इतनी बरतनी है कि जिन लोगों को पित्त की प्रकृति है या जिनको एसिडिटी की प्रॉब्लम है उन लोगों को गोअर्क संभाल के देना है या थोड़ी देर तक उनका एसिडिटी कम होने तक उसको स्टॉप करना है। हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट है विमोचना रोल। विमोचना रोल, इसमें क्या क्या है? विमसिमिन कापूर है, मिंट है, ओवा फूल है। क्या काम करेगा अपने शरीर के ऊपर? अभी बहुत सारे लोग जो पेन किलर के लिए या सर्दी खांसी के लिए जो कुछ भी यूज करते हैं उसके बदले अगर हम विमोचना रोल यूज करेंगे तो मुझे लगता है कि उनको बहुत अच्छा असर आता है। सर्दी खांसी, सर दर्द, जुकाम, कमर दर्द, दांत का दर्द, जोड़ों के दर्द, दमा, माइग्रेन, इसमें टॉनिक जगह पे अगर हम उसको लगाते हैं तो बहुत अच्छा पेन किलर का काम ये विमोचना रोल करता है। दांत का भी अगर दर्द रहता है तो रुई के ऊपर उसको विमोचना रोल डाल के अगर दांत में रख दिया जाए तो दांत का दर्द भी रुक जाएगा। इसलिए जहाँ जहाँ पे दर्द है वहाँ वहाँ पे हम विमोचना रोल यूज कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट है पेन बाम। तो पेन बाम में मेंथॉल, नीलगिरी ऑयल, कापूर, विंटर ग्रीन ऑयल, अजवाइन, ऑइंट बेस्ड, ये सारी चीजें हैं। ये क्या काम करेगा? तो जैसे हम अदर बाम यूज करते हैं उसी हिसाब से हम उसको यूज कर सकते हैं। पेन रिलीफ की तरह हम उसका यूज कर सकते हैं। कमर दर्द, सर दर्द, जुकाम, जोड़ों के दर्द, यहाँ सभी जगह पे हम उसको लगा सकते हैं, लेकिन ये पूरा आयुर्वेदिक है। हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट है तुलसी ड्रॉप। तुलसी ड्रॉप इतना अच्छा और ऑयल बेस्ड एक्सट्रैक्ट में होने की वजह से कम क्वांटिटी में ज्यादा असर करता है। क्या है उसमें? राम तुलस, कृष्ण तुलस, वन तुलस, ये इनका ऑयल एक्सट्रैक्ट कलेक्ट करके उसको बनाया हुआ है। तो इम्यूनिटी को बढ़ाता है। सर्दी खांसी जहाँ जहाँ पे है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हम जो बोलते हैं कि ऊपरी ऊपर जो हो रहा है उसके लिए भी हम काम तुलसी ड्रॉप पानी के साथ दे सकते हैं। बहुत सारे पेशेंट को तो मैं जैसे हम विक्स डाल के देते हैं तो वैसे ही इसकी बूंद गर्म पानी में अगर डालते हैं और उसकी भाप अगर लेते हैं तो उससे भी उसका नेजल ब्लॉक जो है वो जल्दी से खुल जाता है। तो तनाव में भी हम इसको दूर कर इसको यूज कर सकते हैं। स्किन इन्फेक्शन जहाँ जहाँ पे है वहाँ पे भी हम तुलसी ड्रॉप यूज कर सकते हैं। मुंह के संदर्भ में जो कुछ भी बीमारियां रहती है, दुर्गंधी आना या अपना दीपन पाचन के लिए, वैसे भी हम तुलसी ड्रॉप यूज कर सकते हैं। पेट के संबंधित जो बीमारी है तो उसके लिए भी हम तुलसी ड्रॉप यूज कर सकते हैं। तो तुलसी ड्रॉप यूज करते समय एक ही सावधानी बरतो, जहाँ पे ज्यादा उष्ण तीक्ष्ण होने की वजह से उसको हम
हाइपर एसिडिटी वाले पेशेंट को देते समय संभाल के देना है, और जब धूप का मौसम चालू हो जाएगा तब भी हम तुलसी ड्रॉप देते समय संभाल के दीजिएगा। कम से कम एक ही ड्रॉप दीजिएगा, पूरे दिन भर पानी पीते रहते हैं तो उसकी वजह से भी तकलीफ हो सकती है, तो उसकी सावधानी बरतते हुए हम तुलसी ड्रॉप जरूर यूज कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट है वेदामृत। वेदामृत ये बहुत ही अच्छा और असरदार प्रोडक्ट है। ये एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है। इसमें अमृता, आंवला, अश्वगंधा, अर्जुन, हरिद्रा, ब्राह्मी, दालचीनी, द्राक्ष, ग्रीन ट्री, अदरक, मोरिंगा, तुलसी, यष्टिमधु और हनी यानी कि मध ये यहाँ पे यूज किया हुआ है। जिन जिन लोगों को वायरल फीवर की तकलीफ है उन लोगों को हम इसे सुबह 5 बूंद गर्म पानी में, 1 कप गर्म पानी में डाल के अगर देते हैं तो बहुत ही अच्छा असर आता है। हम जो एक्टिव फीवर के पेशेंट है तो उसमें भी सुबह, दोपहर, शाम ऐसे करके वेदामृत दे सकते हैं। 5 बूंद 1 कप गर्म पानी में सुबह, दोपहर, शाम जिन जिन पेशेंट को फीवर है उनको हम दे सकते हैं। उसके साथ अनिद्रा में भी हम दे सकते हैं, पाचन में, पाचन तंत्र जिनका खराब हुआ है वहाँ पे भी हम दे सकते हैं, थायराइड के पेशेंट है वहाँ पे भी हम वेदामृत यूज कर सकते हैं। तो 3 से 5 बूंद सभी को हम दे सकते हैं, छोटे बच्चे से लेके बड़ों तक हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन खाली पेट यूज करेंगे, 1 कप गर्म पानी के साथ यूज करेंगे, बहुत अच्छा असर मिलेगा। हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट है अडुलसा कफ सिरप। अडुलसा कफ सिरप इसमें अडुलसा है, यष्टिमधु है, सुंठ है, हरिद्रा है, त्वक और पुदीना सत्व, मधु, ये सारी चीजें एक साथ होने की वजह से ये दोनों कप के ऊपर चलता है। ड्राई कप और वेट कप दोनों के ऊपर अडुलसा सिरप बहुत अच्छा काम करता है। पुरानी खांसी हो या अभी भी नया नया खांसी हुआ हो, गीली या सूखी खांसी दोनों के ऊपर भी काम करता है। गले में अगर खराश हो तो वहां पे भी अडुलसा कप सिरप अच्छा काम करता है। पेट के संबंधित बीमारी के ऊपर भी ठीक अच्छा काम करता है। तो कफ की जो बनने की प्रवृत्ति रहती है वो रहती है हमारे पेट के ऊपर से ही। तो इसलिए मित्र ध्यान रखना है कि जहाँ जहाँ पे खांसी ज्यादा बढ़ जाती है तो पेट के ऊपर ज्यादा ध्यान रखो और कफ बनने वाली चीजें को अवॉइड करना है। और इसका डोज कितना लेंगे, 2.5 ml से लेके 15 ml तक हम सुबह, दोपहर, शाम अकॉर्डिंग टू एज इसको दे सकते हैं। देते समय ध्यान रहे कि सिर्फ अडुलसा सिरप ही दो, उसके बाद में 5 से 10 मिनट तक उसके ऊपर कुछ मत दो, उसके बाद में हम उसको पानी वगैरह दे सकते हैं। नेक्स्ट ग्रीन रिच पाउडर। अभी बहुत सारी बीमारियां जो बन रही है तो ज्यादा चाय पीने की वजह से, तो हम ऐसा सोचते हैं कि ये बीमारियां कंट्रोल कैसे की जाए। तो अगर चाय के बदले हम सब्स्टिट्यूट ऐसा दे दिए, एक पर्याय लोगों को ऐसा दे दिया जाए कि वो चाय पीना छोड़ दे, तो ग्रीन रिच पाउडर इसमें अश्वगंधा है, यष्टिमधु है, तुलसी है, आंवला है, दालचीनी है, तो ये अगर हम इसको सुबह और शाम नाश्ते के बाद भी ले सकते हैं 1 कप गर्म पानी के साथ अगर लेते हैं तो क्या काम करेगा, प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देता है, पाचन क्षमता को बढ़ाता है, शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह से अपने शरीर को डिटॉक्सिफाई करता है, मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा काम करता है। इसलिए चाय छोड़ के हम ग्रीन रिच टी क्यों ना पिए। हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट है आयुर्एज आयुर्वेदिक टूथपेस्ट। तो दोस्तों अभी मार्केट में बहुत सारे टूथपेस्ट आए हैं, आयुर्वेदिक टूथपेस्ट भी आए हैं, क्या आपके पेस्ट में नमक है ऐसे करके भी बहुत सारे टूथपेस्ट आए हैं। तो अभी ये जो अपना टूथपेस्ट है उसमें नीम है, बबूल है, उसके साथ साथ मिसवाक है, लौंग है, सेंदव है, ये सारी चीजें होने की वजह से आयुर्एज टूथपेस्ट में बहुत अच्छा असर मिलता है। दांत और मसूड़ों को मजबूत बनाने के लिए भी बहुत अच्छा काम करता है। तो दोस्तों दांतों को सड़ने से बचाता है। कोई पेशेंट अगर उसको दांतों में ज्यादा झुंझुनाहट रहती है तो मैं अपने पेशेंट को ऐसे बताता हूँ कि आप उसको हाथ के ऊपर या उंगलियों के ऊपर लो, पहले उसको पूरे मसूड़ों में, दांतों में लगाओ, 4 से 5 मिनट के लिए रुको और उसके बाद में हम उसको ब्रश कर सकते हैं। हमारा सुबह का जो आयुर्वेद टूथपेस्ट है हम सुबह की शुरुआत वही से अगर करते हैं तो हमारा मुख का स्वास्थ्य, ये पूरे बॉडी के स्वास्थ्य रखने के लिए भी बहुत अच्छा काम करेगा। इसलिए आप यूज कर सकते हैं आयुर्वेद टूथपेस्ट। हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट है आयुर्वेद चारकोल टूथपेस्ट। तो चारकोल इसमें चारकोल है, कपूर है, लौंग, सेंधव और नीलगिरी तेल। तो चारकोल जिस जिसको पसंद है तो हम चारकोल टूथपेस्ट यूज कर सकते हैं या हम उसको अल्टरनेट भी यूज कर सकते हैं। ये भी वही काम करता है जो अपना आयुर्वेद टूथपेस्ट काम करता है। बहुत ही अच्छा असरदार साबित हुआ है चारकोल टूथपेस्ट। तो पीले दांतों के लिए, दांतों को साफ रखने के लिए, सड़ने से बचाने के लिए तो हम चारकोल टूथपेस्ट यूज कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट है आयु प्रो पाउडर। दोस्तों आज जो कुछ भी बीमारियां ज्यादातर बढ़ रही है तो वो प्रोटीन डेफिशिएंसी की वजह से, और लोगों को अगर अच्छा प्रोटीन का सोर्स मिलता है, जुनाइन प्रोटीन का सोर्स अगर मिलता है तो मुझे लगता है वो आयु प्रो पाउडर में
प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है। सोया प्रोटीन, प्री प्रोटीन, ब्राउन राइस, काउ कोलेस्ट्रम, अश्वगंधा, हट जोड़, ये जो इसमें यूनिक दिया हुआ है वो है अश्वगंधा और हट जोड़। जो फ्रैक्चर के पेशेंट है उनमें भी हम अगर आयु प्रो पाउडर यूज करते हैं तो हट जोड़ होने की वजह से फ्रैक्चर जल्दी से जल्दी रिकवर होने के लिए अच्छा फायदा होता है। तो मैं कहूँगा कि हर एक व्यक्ति ने जिनको किडनी की बीमारियां हैं वो छोड़ के आयु प्रो पाउडर जरूर लेना चाहिए। चयापचय को बढ़ा देता है, हड्डियों को मजबूत बनाता है और शारीरिक रूप से कमजोर लोगों के लिए भी बहुत अच्छा फायदेमंद है। कितना ले सकते हैं? तो सुबह शाम दूध के साथ भी ले सकते हैं एक एक चम्मच, या पानी के साथ भी ले सकते हैं। जिन लोगों को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है तो उनको मैं अपने जो फूड बनाते हैं तो उसमें भी हम मिला के दे सकते हैं। अपना नेक्स्ट प्रोडक्ट है डिटॉक्सिएज। डिटॉक्सिएज क्या है? इसमें कोरफड़ और त्रिफड़ा। कोरफड़ और त्रिफड़ा होने की वजह से यह पाचन शक्ति के ऊपर या पाचन शक्ति को बढ़ावा देने के लिए बहुत अच्छा असरदार साबित होता है। शरीर को डिटॉक्सिफाई करता है, इतना अच्छा डिटॉक्सिफाई करता है कि उसका नाम डिटॉक्सिएज डाल दिया है। वजन कम करने के लिए भी सहायता करता है। कब्ज जो रहता है, जो की बीमारियों की जड़ है, कब्ज, बद्धकोष्ठता, उसको दूर करने के लिए भी डिटॉक्सिएज अच्छा काम करता है। तो दोस्तों हम डिटॉक्सिएज कैसे यूज करेंगे? 20 से 25 ml या 10 से 25 ml तक सुबह और शाम। जिन लोगों को ज्यादातर जरूरत है, ज्यादा कब्ज है, तो उन लोगों को दो टाइम भी हम दे सकते हैं। सुबह शाम गुनगुने पानी के साथ या गर्म पानी के साथ खाना खाने के एक घंटा पहले हम उसको यूज कर सकते हैं। जैसे ही हमको कब्ज से राहत मिलती है तो एक टाइम दीजिएगा, उसके बाद में उसको अल्टरनेट डे करके हम बंद भी कर सकते हैं। लेकिन जिन लोगों को लगता है कि पूरे बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना है, मोटापा कम करना है, तो उन लोगों के लिए डिटॉक्सिएज जरूर लेना चाहिए। हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट है मेडोलाइट। तो मेडोलाइट में क्या है? अमला है, त्रिकटु है, खदीर है, हरिद्रा है, उसके साथ साथ इंद्रवर्णी, सैंधव, गुडुची, चित्रक, रसना, गोक्षूर, टीविया एक्सट्रैक्ट, ये सारी चीजें जो है वो उष्ण तीक्ष्ण द्रव्य होने की वजह से मेडोलाइट लिक्विड बहुत ही अच्छा काम करता है। ये तिक्त रसात्मक होने की वजह से बहुत सारे लोगों को लेने में थोड़ी सी परेशानी होती है, लेकिन अगर मेडोलाइट लिक्विड के साथ साथ चूर्ण और टैबलेट जो है वो भी अगर हम लेते हैं तो बहुत अच्छा असर मिलता है। मोटापा दूर करने में मदद मिलती है। चयापचय जो है रहता है अपना, मेटाबॉलिज्म बोलते हैं उसको, तो वो भी अच्छा रखने के लिए काम करता है। उसके साथ साथ कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, जहाँ जहाँ पे बढ़े हुए हैं वहाँ पे भी मेडोलाइट लिक्विड, मेडोलाइट पाउडर और मेडोलाइट टैबलेट यूज कर सकते हैं। उसके साथ अभी आजकल बहुत सारे लोगों को हमें एक नई बीमारी दिखती है, जैसे कि चर्बियों की गांठी हो जाती है, मतलब चर्बी की गांठ बन जाती है, तो वो कंडीशन में भी हम मेडोलाइट लिक्विड यूज कर सकते हैं। उसका डोज कितना लेंगे? तो 10 से 30 ml तक हम सुबह शाम पानी के साथ इसको ले सकते हैं। गुनगुना पानी के साथ लिया बहुत अच्छा असर आएगा। हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट है मेडोलाइट पाउडर। मेडोलाइट पाउडर में मेथी का है, वृक्षामला है, यष्टी मधु है, ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट है, काली मिर्च है, तगर है, इंद्रियव है, ये स्टीविया एक्सट्रैक्ट है। ये सारी चीजें होने की वजह से मेडोलाइट पाउडर का बहुत अच्छा असर मिलता है। तो हम मेडोलाइट पाउडर, जैसे कि लिक्विड के बारे में बोला कि मेटाबॉलिज्म को बहुत अच्छा काम करता है, उसी हिसाब से मेडोलाइट पाउडर अगर हम लेते हैं तो हमारा जो वेट है वो जल्दी से कम होने में मदद मिलती है। इसको भी हम सुबह नाश्ते के पहले और शाम को, जब हम दोपहर को चाय पीने की बहुत सारे लोगों को आदत रहती है, तो उस टाइम हम अगर एक चम्मच एक कप गर्म पानी में अगर डाल के पीते हैं तो बहुत अच्छा असर आता है। हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट है मेडोलाइट टैबलेट। तो मेडोलाइट टैबलेट इसमें क्या है? कतुतुम्बी, गोक्षूर, चित्र, खदीर, टंकनखार, दारू हरिद्रा, गुडुची, अर्जुन और दशमूल, ये सारी चीजें होने की वजह से मेडोलाइट टैबलेट बहुत ही जल्द आपका वेट कम करने में असरदार होता है। विषाक्त पदार्थ शरीर से निकालने के लिए भी उसको बहुत ज्यादा असरदार रहता है। पाचक अग्नि को भी बढ़ाता है, जैसे कि मैंने बोला था जठराग्नि ही हमारा भगवान है, और जठराग्नि अगर ठीक रहता है तो हमें कोई बीमारी नहीं हो सकती। जो कुछ भी वेट गेन होता है वहाँ तो शुरुआत ही अग्नि के ऊपर से होती है। अग्नि ठीक ना होने की वजह से ही ये सारी प्रॉब्लम आती है। वजन बढ़ता है तो उसी की वजह से बढ़ता है। इसलिए अगर हम मेडोलाइट टैबलेट लेते हैं तो अग्नि ठीक हो जाएगा, यानी कि आपका वेट भी धीरे धीरे कम हो जाएगा। कैलोरी बर्न करने के लिए और फैट घटाने के लिए भी अच्छा काम करता है। कितना लोगे? एक टैबलेट सुबह को, एक टैबलेट शाम को, खाना खाने के एक घंटा अगर पहले लेते हैं तो बहुत अच्छा असर आता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर हम मेडोलाइट लेंगे तो क्या हमारा वजन एक महीने में कम हो जाएगा? दोस्तों दवाई का काम करेगी, लेकिन हम अपना काम भूल जाते हैं। क्या हम परहेज करने के लिए तैयार है? अगर आप 100% परहेज करोगे तो दवाई का असर भी 100% जरूर होगा। हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट है डायबोसुधा। डायबोसुधा इसमें सुंठ, त्रिफला, हरिद्रा,
निम्बत्व, अमलकी, अमृता, गुडमार, दारवी, जामुन, कुटकी, अर्जुन, पुनर्नवा, विजयसार, एलोवेरा, ये सारी चीजें होने की वजह से डायबुसुदा लिक्विड बहुत डायबिटीज के ऊपर बहुत अच्छा काम करता है। तो ये हम यूज करते समय कैसे यूज करें, तो 10 से 30 ml तक हम इसको पानी में डाल के खाना खाने के एक घंटा पहले यूज कर सकते हैं। क्या काम करता है अपना डायबुसुदा लिक्विड, तो इंसुलिन की संवेदना या शिथिलता जहाँ पे हो जाती है वहाँ पे डायबिटीज हो जाता है। तो इसको ही हम इंसुलिन की मात्रा को बढ़ाने में उपयुक्त काम करता है। तो कैसे बढ़ा सकता है इंसुलिन की, यहाँ तो कोई इंसुलिन नहीं है, एक्टिव इंसुलिन नहीं है। तो ये क्या काम करता है, जब हमारा पैंक्रियाज मतलब अग्न्याशय जहाँ से इंसुलिन सिक्रेट होता है तो उसी को वो स्टिमुलेट कर देगा और ऑटोमेटिकली इंसुलिन को बढ़ावा मिलेगा और आपके शुगर लेवल डाउन होने में मदद मिलेगी। इसलिए डायबुसुदा लिक्विड हम जरूर ले, यह खून में बढ़ी हुई शुगर को जरूर कंट्रोल करेगा, लिवर को भी डिटॉक्सिफाई करने के लिए काम करेगा, उसके साथ साथ हृदय को भी बल देता है। इसलिए दोस्तों डायबुसुदा लिक्विड दोनों समय खाना खाने से एक घंटा पहले हम जरूर ले सकते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट है डायबुसुदा टैबलेट। क्या घटक द्रव्य है, चंद्र प्रभावटी, त्रिफला, निम्बतक, अमलकी, अमृता, गुडमार, दारवी, देवदार, जामुन। तो पहला जो डायबुसुदा टैबलेट में कंटेंट दिया है चंद्र प्रभावटी, तो आयुर्वेद में बताया गया है कि चंद्र प्रभा विख्याते सर्व रोग प्रणाशनम, मतलब चंद्रप्रभा एक ऐसी दवाई है जो हर एक बीमारी का नाश करने के लिए तत्पर रहती है। तो इसलिए चंद्रप्रभा होने की वजह से डायबुसुदा टैबलेट डायबिटीज के ऊपर, ब्लड प्रेशर के ऊपर और जैसे कि लीवर है, पैंक्रियाज है, उसके ऊपर भी बहुत अच्छा काम करती है। शरीर में शुगर लेवल बढ़ने की जो वजह है, पैंक्रियाज को स्टिमुलेट करने का काम, पैंक्रिया में से जो इंसुलिन रहता है वो ठीक तरह से सिक्रीट ना होने की वजह से ही शुगर लेवल बढ़ जाती है, तो उसको भी ये स्टिमुलेट कर देगा। तो डायबुसुदा टैबलेट हम कितना लें, तो डायबुसुदा जो जो पेशेंट ज्यादा क्रॉनिक है, शुगर लेवल जिनकी बहुत दिनों से ज्यादा बढ़ी हुई है, डायबिटीज बहुत दिनों से है, बहुत सालों से है, तो इन लोगों को हम दो दो गोलियां सुबह शाम खाना खाने के एक घंटा पहले दे सकते हैं। उसके साथ साथ उनका जो कुछ भी मेडिसिन चालू है उसको तुरंत बंद ना करें, उसको हम मेजर करते रहे और जैसे ही शुगर लेवल कंट्रोल में आ जाती है तो वो जो बाकी की जो दवाइयाँ चालू है उसको हम टैपर कर सकते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखो, जो दवाई देनी है वो एक घंटा पहले और दवाई देने से पूर्व हमको HbA1c नाम का टेस्ट जरूर कर लेना है, ताकि आफ्टर 3 months 3 महीने के बाद हमें पता चले कि डायबुसुदा यूज करने के बाद कितना असर मिलता है। तो डायबुसुदा लिक्विड और डायबुसुदा टैबलेट हम आज ये दोनों यूज करके आज हमारे जो इंडिया में, हमारे भारत देश में बहुत सारे मधुमेह के जो केसेस बढ़े हुए हैं, बहुत ज्यादा मतलब एक डायबिटिक हब ही बन गया है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए ये बहुत अच्छा असरदार मेडिसिन साबित हो रहा है। उसको हम ले और हमारे भारत को डायबिटिक से मुक्ति दे, यही एक विजन हम आज लेकर चलेंगे। स्टेमिक्स पाउडर, स्टेमिक्स पाउडर में शिलाजीत है, कवच बीज है, शतावरी, जटीपत्र, अश्वगंधा, नाग केशर, ये सारी चीजें होने की वजह से स्टेमिक्स पाउडर अपने स्ट्रेस लेवल को कम करता है, सख्त क्षमता जो रहती है उसको भी बढ़ाने में मदद करता है, टेस्टोस्टेरोन का स्तर जो है वो बढ़ावा देने के लिए बहुत अच्छा सहायक हो जाता है। बहुत लोग जो रहते हैं इनफर्टिलिटी जो होता है, बहुत सारे पेशेंट में स्पर्म काउंट कम रहता है, तो उस वजह से इनफर्टिलिटी जो होती है तो वहाँ पे स्पर्म काउंट बढ़ाने के लिए भी स्टेमिक्स पाउडर अच्छा काम करता है, प्रजनन क्षमता को भी बढ़ाता है। तो स्टेमिक्स पाउडर हम 5 से 10 ग्राम सुबह और शाम दूध के साथ भी ले सकते हैं या पानी के साथ भी ले सकते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट है स्टेमिक्स टैबलेट। स्टेमिक्स टैबलेट्स इसमें सब एक्सट्रैक्ट फॉर्म में दवाइयां दिया गया है, अश्वगंधा, सफेद मुसरी, कपी कच्छू, गोक्षूर चूर्ण, अमलकी, तालिम खाना, शिलाजीत, ये सारे जो चूर्ण है वो बहुत सारे चूर्ण एक्सट्रैक्ट फॉर्म में है और बाकी जो है वो अपना चूर्ण फॉर्म में दिया गया है। इसलिए स्टेमिक्स टैबलेट बहुत ही अच्छा असरदार साबित हो रहा है इनफर्टिलिटी के केस में, और जहाँ पे स्पर्म काउंट कम हो जाता है उस केस में ये बहुत अच्छा असरदार हो रहा है। टेस्टोस्टेरोन के स्तर बढ़ाता है, टेस्टोस्टेरोन के स्तर को बढ़ावा देता है, स्ट्रेस को कम करता है, प्रजनन क्षमता को बढ़ाता है और उसके साथ साथ सेक्स क्षमता को भी बढ़ाने में मदद करता है। तो स्टेमिक्स टैबलेट हम 1 से 2 टैबलेट सुबह शाम दूध के साथ हम उसको ले सकते हैं या पानी के साथ भी ले सकते हैं। स्टेमिक्स प्लस, अभी स्टेमिक्स प्लस इसके जो घटक द्रव्य है वो है अश्वगंधा, सफेद मुसरी, काली मुसरी, कपी कच्चू चूर्ण, गोक्षूर चूर्ण, अमल की एक्सट्रैक्ट, तालिम खाना चूर्ण,
शिलाजीत, चंद्रप्रभा भावटी, ये सारी घटक द्रव्य होने की वजह से ये 45 एज के ऊपर हम इसको अच्छा दिखता है। तो स्पर्म काउंट बढ़ाने के लिए भी काम करता है, प्रजनन क्षमता के लिए भी अच्छा काम करता है, स्ट्रेस लेवल को कम करने के लिए अच्छा काम करता है, टेस्टोस्टेरोन को भी बढ़ावा देने के लिए अच्छा काम करता है। इसलिए टेमेक्स प्लस पाउडर हम 1-2 टेबलेट सुबह शाम हम उसको यूज कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट है नस्य ऑयल। तो नस्य ऑयल में बहुत सारे जो घटक द्रव्य है वो यूज किए हुए हैं, शतावरी, जयवंती, चंदन, दारुहरिद्रा, शालिपर्णी, पृष्णिपर्णी, बृहती, कंटकारी, ये जो द्रव्य है ये बहुत ज्यादा असरदार साबित होते हैं ब्रेन के ऊपर। तो जिन जिन लोगों को माइग्रेन है, स्पॉन्डिलेसिस है, जिनके स्पाइन के डिसीजेस है, उन लोगों को अगर हम नस्य ऑयल अगर देते हैं 1-2 ड्रॉप सुबह और शाम अगर नॉस्ट्रिल में डालते हैं तो बहुत अच्छा असर मिलता है। मनन शक्ति को बढ़ावा देता है, शिरःशून्यता को हटाता है, उसके साथ साथ कफ रोग जो रहते हैं तो वहाँ पे भी हम नस्य ऑयल यूज कर सकते हैं। सर्दी, स्वर भेद और सर में भारीपन लगना तो वहाँ पे भी हम नस्य ऑयल यूज कर सकते हैं। तो नस्य ऑयल हम जहाँ अपना कॉलर बोन रहता है वहाँ के ऊपर, मतलब जितने भी डिसीज है, नाक, कान, आंखें, जैसे कि बाल है, तो उनके लिए भी हम नस्य ऑयल यूज कर सकते हैं। तो 2-4 बूंद नासिका में आप डाल सकते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट है लिव। लिव सिरप, ये इसमें भूमि अमिल का एक्सट्रैक्ट है, पुनर्नवा है, भृंगराज है, मकोई एक्सट्रैक्ट है, चरमपुंखा है, अमृता है, कालमेघ एक्सट्रैक्ट है, एलोवेरा है। इसकी वजह से ये लिवर को अच्छी तरह से स्टिमुलेट कर देता है। ज्यादातर प्रॉब्लम आती है छोटे बच्चों में, खाना ही नहीं खाते, तो वहाँ पे बहुत सारे पेरेंट्स रहते हैं, वो बोलते हैं सर ये बच्चा हमारा खाना ही नहीं खाता है। तो वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, लिव सिरप दे सकते हैं। लिव सिरप एक एंटीबायोटिक होने के साथ साथ लिवर टॉनिक भी है, भूख सुधारता है, पाचन क्षमता को बढ़ावा देता है, गैसेस और एसिडिटी की समस्या भी कम कर देता है। लेकिन आप एक ध्यान रखो कि सिर्फ यही काम नहीं है, तो बहुत सारे लोगों को जॉन्डिस हो जाता है, तो जॉन्डिस में भी लिव सिरप अच्छा काम करेगा। तो हम यूज कैसे करेंगे उसको, 10-20 ml आधा से पौन कप पानी में डाल के हम उसको दे सकते हैं। कब देना है, खाना खाने के आधा घंटा हम पूर्व दे सकते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट है बी प्यूरिफायर लिक्विड। तो इसमें क्या है, मंजिष्ठा है, अमृता है, सारिवा है, दारू हरिद्रा है, हरिद्रा है, त्रिफला है, अरगवद है। तो ये क्या काम करते हैं, ब्लड को प्यूरिफायर बनाते हैं। बहुत सारी बीमारियां जो रहती है वो ब्लड इम्प्योर होने की वजह से हो जाती है। इसका कोई लैब टेस्ट नहीं होता है कि ब्लड इम्प्योर है या प्यूरिफाइड है। लैब में हमें हीमोग्लोबिन, WBC, RBC ये सारे मिल जाएंगे, लेकिन ब्लड का प्यूरिफिकेशन सिर्फ आयुर्वेद शास्त्र में ही बताया गया है। वो लक्षण के ऊपर डिपेंड करता है। जब भी हम वैद्य पेशेंट को देखते हैं तो पता चल जाता है कि ब्लड इम्प्योर होने की वजह से कौन सी बीमारियां हो जाए, तो उसको प्यूरिफाई बनाने के लिए भी हम ब्लड प्यूरिफायर यूज कर सकते हैं। शरीर में जहां जहां पे विषाक्तता होती है, गर्मी ज्यादा बढ़ने की वजह से खून खराब हो जाता है, ब्लड सर्कुलेशन ठीक करने के लिए भी हम ब्लड प्यूरिफायर यूज कर सकते हैं। बहुत सारे मुहासे की केसेस रहती है, वहां पे भी ब्लड प्यूरिफायर हम यूज कर सकते हैं। तो रक्तम जीव इति स्थिति, ऐसा आयुर्वेद में कहा गया है, रक्त अगर अच्छा रहेगा तो जीव की स्थिति भी अच्छी रहेगी। इसलिए 10-20 ml हम 2-3 बार पानी में डाल के ब्लड प्यूरिफायर दे सकते हैं। दोस्तों, आयुर्वेदिक मेडिसिन के साथ साथ सनेज में पर्सनल केयर प्रोडक्ट भी है, जहाँ पे जैसे कि टालकम पाउडर है, बहुत सारे लोग यूज करते हैं, तो यहाँ पे भी टालकम पाउडर है जो आयुर्वेदिक मेडिसिन से बनाई गई है। उसके साथ साथ आयुर्वेदिक हेयर ऑयल भी है जो हम डेली यूज कर सकते हैं। दूसरी बात है फूड प्रोडक्ट। तो फूड प्रोडक्ट में बहुत सारी आज मिलावट होने को देखने को मिलती है, तो उस मिलावट की वजह से हमारे बॉडी के ऊपर बहुत सारे टॉक्सिन्स का असर होता है, इसलिए बीमारियां जल्दी आ जाती है। तो क्यों ना हम ऑर्गेनिक यूज करें। जैसे कि हम हर रोज शुगर यूज कर रहे हैं, तो शुगर के बदले हम जागरी पाउडर यूज करें। तो आज हम देखते हैं दोस्तों कि हमारा स्वास्थ्य का शत्रु कौन है। 3 चीजें बहुत ज्यादा जो हमारे यूज में आ रही है, जैसे कि शक्कर है, नमक है और रिफाइंड ऑयल है। तो अगर इनका पर्याय अगर इसके लिए हमें अगर मिल जाता है, तो मुझे लगता है कि अपना स्वास्थ्य, अपना परिवार का स्वास्थ्य बरकरार रखने के लिए ये बहुत अच्छा असरमंद होगा। इसलिए सनेज कंपनी में ये जो ऑयल दिया हुआ है वो विदाउट रिफाइंड, मतलब तो जो ग्राउंड नट ऑयल है वो उड प्रेस ऑयल है, उसको रिफाइंड नहीं किया गया है, तो इसलिए वो अपने शरीर के लिए अच्छा स्वस्थदायक हो सकता है। उसके बाद में जागरी पाउडर है, वो भी 100% ऑर्गेनिक होने के लिए हमें बहुत अच्छा असरदार होगा अपने स्वास्थ्य के लिए। हम टी भी लेते हैं, चाय भी लेते हैं, तो वो भी ऑर्गेनिक होने की वजह से हम इसको डेली यूज कर सकते हैं दोस्तों। और दूसरा जो प्रोडक्ट है, जैसे कि ब्यूटी प्रोडक्ट है, तो उसमें भी बहुत सारी लेडीज जो आज लिपस्टिक लगा रही है, तो उसमें भी लीड जाता है बॉडी में। तो अगर आपको ऐसी कुछ आयुर्वेदिक या ऑर्गेनिक लिपस्टिक मिल जाए जिसकी वजह से हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे, तो क्यों ना हम उसको यूज करें। तो मुझे लगता है कि वो भी हम यूज करना चाहिए। जिन महिलाओं को हम ये नॉलेज दे सके उनको जरूर दें। सनेश का जो लिपस्टिक है
वहाँ पे लीड के बदली यहाँ पे लीड नहीं है, तो उसमें है जोजोबा ऑयल और गाय का शुद्ध देशी गाय का घी। तो इसलिए हमारे जो भी माता भगिनी है तो उनको अगर हम ये एक पर्याय देते हैं लिपस्टिक का, तो उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। हम सभी की स्वास्थ्य की कामना करते हैं। दूसरी बात है, आज हमें बहुत सारी चीजें जो मिल रही है वो रासायनिक फर्टिलाइजर और केमिकल्स के ऊपर बनाई हुई चीजें मिल रही है। हमारा जो कुछ भी मिशन है तो ये है कि ऑर्गेनिक खेती कैसी हो जाए, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर कैसे मिले। तो अगर समझो ऑर्गेनिक खेती और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के ऊपर अगर हम खेती करते हैं, हमारे किसान भाई अगर उसमें अनाज लेते हैं, उगाते हैं, तो उनसे लेके पूरा देश का स्वास्थ्य ठीक रहेगा ऐसा हमें लगता है। उसके लिए भी कंपनी ने बहुत अच्छे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स और ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स ये लाए हुए हैं, तो उसका भी हम अच्छी तरह से यूज करके हमें सबको स्वास्थ्य मिल सकता है। अगर आपने YouTube के ऊपर सर्च किया सनेज प्रोडक्ट रिजल्ट, तो वहाँ पे आपको बहुत सारे लोगों को जो रिजल्ट मिले हैं तो आप देख सकते हैं, और उसका लिंक भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा। आयुर्वेद का प्रचार और प्रसार यही अपना उद्देश्य रहना चाहिए, सबको स्वास्थ्य मिले, यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं।